भारत मोबिलिटी ऑटो एक्सपो 2024 में दिखा टाटा कदम। कंपनी ने पेश की पहली कूपे एसयूवी टाटा कवीवी। भारत मोबिलिटी ग्लोबल ऑटो एक्सपो 2024 में टाटा मोटर्स ने अपने पवेलियन में कई सारे प्रोडक्ट्स को पेश किया। इनमें से एक रही टाटा कवीवी। ये कंपनी की पहली कूपे एसयूवी है जिसे कंपनी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल ऑटो एक्सपो में पेश किया है। इस कार में 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो 260 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है और 115 पीएस की मैक्सिमम पावर जनरेट करेगी। कंपनी आने वाले दिनों में इस कार को लॉन्च कर सकती है। टाटा कवीवी इलेक्ट्रिक एसयूवी। टाटा के जेन 2 प्लेटफॉर्म पर निर्मित कवीवी को एक हाई सेगमेंट एसयूवी के रूप में तैयार किया जाएगा जिसे एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर तक की रेंज मिलने की उम्मीद है। टाटा कवीवी इलेक्ट्रिक एसयूवी। टाटा कव कॉन्सेप्ट बेस्ड कूप एसयूवी की भारतीय सड़कों पर लंबे समय से टेस्टिंग की जा रही है। इसके 2024 की शुरुआत में बाजार में आने की उम्मीद है। ये कार अपने कूप एसयूवी डिजाइन के बावजूद हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, होंडा एलिवेट और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा जैसी कारों से मुकाबला करेगी। पावर ट्रेन। टाटा मोटर्स ने पुष्टि की है कि कव एसयूवी सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ बाजार में आएगी। इसके बाद इसके इंटरनल कम्बशन इंजन आईसी मॉडल आएगा। हालांकि अभी इसके ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन का खुलासा होना बाकी है, लेकिन यह मालूम है कब एसयूवी टाटा के नए 1.2L टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन से लैस होगी जिसमें 125 पीएस की पावर और 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इस नए इंजन को नेक्सन वाले 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन डीसीटी के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा इसमें डीजल इंजन का भी विकल्प मिल सकता है। रेंज। टाटा के जेन 2 प्लेटफॉर्म पर निर्मित कवीवी को एक हाई सेगमेंट एसयूवी के रूप में तैयार किया जाएगा जिसे एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर तक की रेंज मिलने की संभावना है। फिलहाल इसके इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की डिटेल्स उपलब्ध नहीं है। इस एसयूवी में एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम एडीएएस मिलने की संभावना है। फीचर्स। फीचर्स के मामले में कव एसयूवी के कई एडवांस्ड फीचर्स से लैस होने की उम्मीद है जिसमें 10.25 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर और 6 एयरबैग के साथ सेफ्टी फीचर्स की एक लंबी रेंज मिलने की संभावना है। डिजाइन और कीमत। इस एसयूवी में इसके कॉन्सेप्ट मॉडल के समान डिजाइन मिलने की उम्मीद है जिसमें प्रमुख डिजाइन एलिमेंट्स में स्प्लिट सेटअप के साथ एलईडी हेडलैम्प, अलॉय व्हील्स, एक कूप स्टाइल रूफ, फ्लश टाइप डोर हैंडल और एलईडी टेल लैंप शामिल हैं। हालांकि अभी इसकी कीमतों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसके एंट्री लेवल वेरिएंट की कीमत 20 लाख रुपए से शुरू होने की उम्मीद है, जबकि इसके आईसी वेरिएंट की कीमत 10.5 लाख रुपए से शुरू होने का अनुमान है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।